हेलो फ्रेंड्स, श्वेता के वीडियोस में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बथुए वाली दाल। सर्दियों में बथुआ बहुत ही स्पेशल सब्जी मानी जाती है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। ये मैंने आधा केजी बथुआ लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इस तरह से धुल लिया है और इसे अब मैं उबलने के लिए रख दूँगी। उबालने के लिए हमें इसे ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगानी है, सिर्फ एक सीटी लगानी है, एक सीटी में ही ये उबल जाएगा। और इसे ही मैंने कुकर में डाल दिया है। और अब हमें इसे बंद कर देना है और एक सीटी आने तक पकाना है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक सीटी लगाई है, तो सीटी लग चुकी है। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। देखिए, बथुआ हमारा उबल चुका है, तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और इसे पलट दिया है मैंने थाली में। इसको इस तरह से चला देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हमें चला देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। बथुआ अब ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, तो अब इसे देखते हैं। ये देखिए, इस तरह से ग्राइंड कर लेना है बथुए को। फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाना है चलिए अब देखते हैं। ये मैंने बथुआ पीस कर रख लिया है और ये मैंने उड़द दाल ली है। ये उड़द दाल घर में बनाई हुई है, तो इसलिए इसमें पॉलिश नहीं है। पॉलिश वाली दाल जो है वो चमकती रहती है, लेकिन ये दाल बहुत ही अच्छी है। देखिए, अब हमें इसको कैसे बनाना है। ये मैंने कुकर लिया है, सेम कुकर है जिसमें मैंने उबाला था बथुआ, तो इसमें इसे बथुआ को डाल देना है। और ये दाल, इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद इसको भी ऐड करना है। दाल को मैंने दो से तीन बार बहुत ही अच्छे से धुल लिया है और अब मैं इसे कुकर में डाल देती हूँ। बथुआ काफ़ी ठीक हो गया था, तो इसको भी मैं ऐसे धुलकर डाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी इसमें लगाया है और देख लेते हैं कि ये दाल ठीक लग रही है या नहीं। अभी मुझे इसमें आधा गिलास पानी और लगाना है, क्योंकि दाल पकने के बाद ये ठीक हो जाएगा। देखिए, अब ये ठीक लग रहा है। अब इसमें दाल अच्छे से पक सकती है। अब हमें इसमें ऐड करना है नमक। यहाँ पर मसालों का प्रयोग मैंने नहीं किया है, ये सिंपल और बहुत ही आसान रेसिपी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी। यहाँ पर मैंने हल्दी ली है, हल्दी मैंने एक चौथाई चम्मच ली है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। प्रेशर कुकर मैंने गैस पे रख दिया है, तो अब इसे बंद कर देना है अच्छे से और इसे एक सीटी आने तक पकाना है। फ्रेंड्स, दो सीटी लगने के बाद मैंने इसे गैस से नीचे उतार लिया है और ये इस तरह से पककर तैयार है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने चम्मच को यहाँ गर्म होने के लिए रख दिया है और चम्मच हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ।
तेल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तड़का लगाने के बाद दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तड़का लगाने के लिए मैंने ये दो लाल मिर्च ली हैं सूखी हुई, और ये मैंने हींग ली है 1/4 चम्मच। ये मैंने मिर्च को यहाँ पर भून लिया है। ये मिर्च बथुए वाली दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सूखी लाल मिर्च जो मैंने टुकड़ों में तोड़ कर रखी है। और ये हींग, मिर्च और हींग अच्छे से भून गए हैं तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी और इसको अच्छे से बंद कर देना है ताकि दाल में खुशबू अच्छे से आ जाए। तो फाइनली तैयार है हमारी बथुए वाली दाल। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।